भोजपुरी फिल्मों में तो पहला गाना है मेरा, इस लेवल पे पहला गाना है, लेकिन भोजपुरी भाषा में मैं पहले भी गा चुका हूँ काफ़ी, मेरे आप लोगों ने गाने भी बहुत पसंद किए हैं, जो भी हमारे जो हिट गाने हैं उनके जो वर्जन्स बनते हैं मैंने भोजपुरी में काफ़ी गाए हैं, यहाँ तक कि मतलब इतनी तरीके की प्रसिद्धि है वहाँ पे, यूपी बिहार में जाओ मेरे शोज होते हैं अगर वहाँ पे, तो लोगों को लगता है कि पहले मैं वो गाऊँ, पहले ये फरमाइश आती है कि नहीं पहले वो आप गाइए, कि कब हो जो बदरा भरी से देखीला तो कई तो ही अखियाँ भरी के तू लाग लू पहली बार इसकी फुहार, तो ये बोलते हैं ये ऐसा गाओ कुछ गाओ ये सब, उसके बाद गोगो गोविंदा उक्का बार ये सब तमाम चीज़ें थी, लेकिन जो आज जिस गाने के लिए हम लोग सब मिले हैं और बहुत ही पावन गाना है, बहुत ही जो है अलौकिक गाना है मैं कहूँगा, बहुत एक जादू है, तिलिस्म है इस गाने में, भोले बाबा का जहाँ जिक्र होता है, जहाँ उनका आवाहन हो जाता है तो कोई भी चीज़ जो है वो साधारण नहीं रह जाती, तो ये साधारण बिल्कुल असाधारण गाना है जो आज बहुत ही एक यूनिक गाना है, और एट द सेम टाइम बहुत सिंपल गाना भी है, कि बहुत एक जो मैसेज है वो यही है कि हम सब जो हैं एक दूसरे को कह रहे हैं कि भोले बाबा की शरण में आइए, और भोले की जो भोले बाबा की और भगवान शिव जी की और जो शंकर भगवान की जो एक सादगी है उस सादगी को अपनाइए लाइफ में, और जो मस्त रहते हैं मस्त मौला रहते हैं अपनी जो है कैलाश पर्वत पे उन्होंने जो है डेरा बसाया हुआ है वहाँ पे ही वो ध्यान लगा के हमेशा जो है भक्तों की सुनते हैं, और सबसे ज़्यादा अगर कोई खुश होते हैं सबसे जल्दी अगर कोई खुश होते हैं भगवान तो भगवान शंकर ही हैं जो भक्तों की सुनते हैं और भक्तों का उद्धार करते हैं, उनकी सारे जो उनकी सारी जो पीड़ाएँ हैं उनके सारे जो दुख दर्द हैं वो हरते हैं और सारी जो पीड़ाओं का नाश करते हैं, और जितनी सादगी और शांति प्रदान करते हैं किसी को तो वो भगवान शिव ही हैं, और मैं तो खुद एक बहुत बड़ा भक्त हूँ शिव जी का, और मुझे मेरी बहुत एक खुश नसीबी है कि मुझे इस गाने में शरीक होने का, इस गाने का एक हिस्सा बनने का मौका मिला, इस गाने को गाने का मौका मिला, इस फिल्म का हिस्सा बनने का मौका मिला। मैं अभी अभी वाराणसी गया था और वहाँ पे भी मैंने जो है अभी कुंभ, आप सब लोगों को पता है कुंभ तो जारी ही है, लेकिन मेरे कुछ शोज़ थे वहाँ पे गंगा के घाट पे, मैंने पहली बार परफॉर्म किया तो दिल इतना गदगद हो के उमड़ रहा था, वहाँ की जो है आबो हवा में वहाँ के वातावरण में कुछ ऐसी बहुत ही कुछ दैविक बात है, कुछ दिव्य शक्तियाँ हैं वहाँ, जो इतनी हवाओं में आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ अलग है, कुछ आपको यहाँ नहीं समझ में आएगा, यहाँ नहीं आप वो महसूस करोगे, वो धरती का उस ज़मीन का उस हवा का उस पानी का गंगा माँ का जो है एक आशीर्वाद है। तो ये शूट भी जो हो रहा है गाना मुझे बताया गया है, हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं हमारे डायरेक्टर साहब हैं जिन्होंने ये फिल्म बनाई है और जो फिल्म बना रहे हैं, और शूट होने वाली है जल्दी से, ये गाना भी शूट होने वाला है 21 को शूट होने वाला है गाना बनारस में, तो बनारस की धरती पे जब भोले बाबा का आह्वान होगा, और जब नाम भी जो है गाने का कि भोले के नाम का तीनों लोक में बजता है डंका, और भोले बाबा का ये एकमात्र ऐसा नाम है, एकमात्र ऐसी शक्ति है सर्वशक्तिमान जो एक भगवान है, वो हमारे भगवान शिव हैं, तो उसके उनकी गुणगान में उनकी महिमा करते हुए ये जो गाना है, ये एक गाने के गाने से ज़्यादा मैं कहूँगा ये एक तरीके की मॉडर्न स्तुति आप बोल सकते हो, एक मॉडर्न एक आरती टाइप है, एक आरती का एक अंग है, वो भक्त का भाव है, जैसे हर किसी भक्त का, जैसे आप महाशिवरात्रि में हम भोले बाबा का आह्वान करते हैं, जैसे गणपति बप्पा का हम गणेश उत्सव में करते हैं, वैसे ही जैसे माता रानी का करते हैं नवरात्रों में, वैसे ही ये भी एक भक्त के दिल की पुकार है कि भोले की फौज करती है मौज, क्योंकि भोले बाबा में जो विश्वास रखते हैं, जो भोले बाबा को मानते हैं, उनको किसी संकट का जो है सामना अगर करना पड़ता भी है तो वो उस चीज़ को जो है बोलते हैं भोले बाबा संभाल लेंगे, भोले बाबा है ना, साहस मिल जाता है, साहस मिलता है, एक दृढ़ता मिलती है, एक हिम्मत मिलती है, तो ये सब चीज़ें हैं इस गाने को लेके, बहुत मज़ा आया, तो दो लाइनें ऐसी मैं गा देता हूँ, भोले की भोले का भोले के नाम का तीनों लोक में
बजता है डंका, भोले की फौज करती है मौज, भोले की फौज करती है मौज, दिल में ना रख कोई शंका, भोले के नाम का तीनों लोक में बजता है डंका। तो ये नाम जो है गाने का भाव ही इतना है, जब आप सुनेंगे तो आप झूम उठेंगे और भक्ति भाव से उमड़ पड़ेंगे आप। और बाकी जो है हमारे डायरेक्टर साहब प्रोड्यूसर साहब कमान संभाली बताएंगे आपको। आप जो लेके हिट है दो लाइन गाना जो मेरा सर जो हिट्स है, हाँ लेटेस्ट है तो सही बात है। लेटेस्ट आपने कहा, लेटेस्ट जो है वो अभी कल आज ही एक इनफैक्ट एक फिल्म रिलीज हुई है फेसबुक वाला प्यार, उसमें एक गाना है मेरा और शादी के ऊपर गाना, शादी की सिचुएशन है तो लड़का लड़की है, अच्छी स्टार कास्ट है, अच्छी स्टोरी भी है। कल एक फिल्म और रिलीज़ हो रही है हम चार राजश्री प्रोडक्शंस की, तो सूरज बड़जाते के उनके प्रोडक्शन से फिल्म रिलीज़ हो रही है। मैं ऑलरेडी उनके लिए प्रेम रतन धन पायो में गा चुका हूँ, तो मेरे लिए एक और बहुत बड़ा मौका था जो मुझे उन्होंने प्रदान किया। तो उसका फ्रेंड्स भी फैमिली है नाम का सॉन्ग है, जो फ्रेंडशिप एंथम के दोस्तों की क्या नोकझोंक होती है, दोस्तों में कैसे दोस्त सिर्फ फैमिली ही फैमिली नहीं होती, आपका परिवार ही फैमिली होती है, दोस्त भी आपके परिवार का एक हिस्सा होते हैं। तो ये बयां करती है, बहुत अच्छी कहानी है चार दोस्तों की, ये एक फिल्म है। आगे शायद नेक्स्ट वीक में एक और फिल्म आ रही है शर्मा जी की, लग गई कृष्णा, अभिषेक है उसमें एक्टर, उसमें भी एक गाना है। तो और काफ़ी हैं, आते रहे, लेकिन अभी फिलहाल भोले की फौज करती है मौज। मैं इस गाने को बहुत बेसब्री से मेरा इंतज़ार रहेगा कि शूट होके आए, रिलीज़ हो, तो हम भी मज़ा उठाएं उसका। आपने जितनी मेहनत की है इसी अंदाज में शूट हम लोग करेंगे इसका। थैंक यू। अगर समय रहे तो आप भी आइए 21 तारीख को। बिल्कुल बिल्कुल, ये रहेगा। और मेरे लिए तो शिव तांडव स्त्रोत भी जो एक बहुत महत्वपूर्ण एक स्रोत है हमारे माइथोलॉजी में, तो उसका भी गाने का मुझे सौभाग्य मिला था धर्म संकट में, जो एक फिल्म थी नसीरुद्दीन शाह साहब और परेश रावल, उसमें भी बहुत बहुत मज़ा आया था। तो शिवजी के गानों में, भगवान शंकर के गानों में एक 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 नशा होता है, वो नशा है जो वो आप बयान नहीं कर सकते हो, आप वो महसूस करते हो, और वो नशे में रह के अगर आपने वो गाने को गाया या निभाया तो तभी आप उस गाने को जो है वो कुछ न्याय दे सकोगे, नहीं तो गाना आपको कभी भी लगेगा नहीं कि गाना कुछ गाना ऐसे ही लगेगा, गाना है मतलब आके किसी सिंगर ने गा दिया माइक पे, आके गा दिया। मैं अभी ऑलरेडी मेरी दो रिकॉर्डिंग्स थी इससे पहले, मैं अभी आया अभी इस ऑलरेडी इसके बाद भी ये दो रिकॉर्डिंग्स हैं, तो मेरे लिए ये ऐसा नहीं था कि मेरे को इतना बस आना है, मेरे पास 1.5 घंटा है मुझे गा के चले जाना। मेरे लिए कोई भी जो गाना होता है वो ज़रूरी, हर गाना ज़रूरी होता है, और हर गाने को मैं देखता हूँ कि किसी के साथ अन्याय ना हो, क्योंकि सबकी मेहनत है, सब लोग इतने एकजुट होके इतनी मेहनत और इतनी लगन के साथ कोई प्रोजेक्ट खड़ा करते हैं, तो उसमें मेरी तरफ से जितनी शिद्दत हो सकती है मैं हमेशा देने की कोशिश करता हूँ। आप बताइए फिल्म के बारे में क्या है और चीज़ें, आप भी बताइए। आज तो आपसे ही प्रश्न करेंगे। आज के हीरो आप, मुन्ना दुबे जी जो है वो यहाँ पे खड़े हुए हैं, यहाँ पे आइए आप, आइए। ये सही गा, और ये सही गाना अधूरा था, नहीं तो ये गाना अधूरा था अमन जी के। और देखिए हमने सब आप लोगों का, हमने अपने भाई प्रोड्यूसर से हमने कहा भी कि ये महादेव पर छोड़ दीजिए, वो डिसाइड करेंगे कौन गाएगा कौन क्या करेगा। क्योंकि मैं जब इन्होंने कंपोजिशन तैयार की तो हमने बोला क्या गाएगा कौन, तुम क्या मेरे निगरान कोई सिंगर नजर नहीं आ रहा है, तो बोले आप चिंता मत करिए महादेव, तुम हम भी भक्त हैं, हमको ठीक है, ये अगर बोले तो महादेव सोचा होगा, डिसाइड करेंगे। देखिए महादेव सोचा और आपको उन्होंने भेज दिया, और आप इतने सादगी के साथ, इतने सरलता के साथ अपनी इतना कठिन कंपोजिशन आपने गा दिया, सब बाबा का आशीर्वाद। सबने रुद्राक्ष पहन रखा है, दिख रहा है, मैंने भी यहाँ पे एक मुखी पहन रखा है, तो मैं दिख नहीं रहा लेकिन हाँ पहन रखा है, और ये सब देख कनेक्शन वही है, कनेक्शन है जन्मों जन्म का, कनेक्शन जन्मों जन्मों का है। और लिरिक्स भी देखिए वो एकदम वो पौराणिक और एकदम जो है वो कन्वेंशनल नहीं है, संस्कृत के लफ्ज मतलब जो शब्द हैं वो
पूरे जो खाले साहब बोलते हो जैसे वैसे नहीं है, आज की यूथ भी कनेक्ट करेगी कि कनेक्शन हो जन्मों जन्म का, महादेव के को रखते हैं क्लोज, इतने रखते हैं क्लोज कि कोई भक्ति का बल्ब जो जल जाए मन में। तो ये जो है ये आज की यूथ के साथ हमारे जनरेशन के साथ कनेक्ट बहुत अच्छे से करेगी, क्योंकि ज़रूरी होता है कि पूजा पाठ और जितनी ये सब आध्यात्मिक चीज़ें होती हैं लोगों को लगता है बड़े बुजुर्गों का काम है, और आजकल की जनरेशन और बच्चों को इतना जो है ज्ञान नहीं है। तो ये सब चीज़ों से ऐसे गाने आएंगे, ऐसे कंटेंट निकलेगा तो ये लोग भी जुड़ेंगे, बहुत ज़रूरी है। जब इन्होंने सिचुएशन बता बोले कि भोले का सॉन्ग है करिए, तो मैं रात में बैठा और इसको लिख डाला और सुनाए, तो बोले क्या कोई भी गाना पहली बार उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब बन करके जब आया ये गाना, जब हमने इसको कंपोज करके और लिरिकल इसमें मैंने दो चीज बोला गया। हम लोग क्या आपस बोलते हैं कि भोले की खोज करेगी मौज, उनका भोले की खोज करेगी मौज आना चाहिए, उन्होंने अच्छा किया भोले की खोज करती मौज करती कर रही है मौज, कर दिया। फिर उनका डंका कुछ आना चाहिए, शिव का डंका थी, उन्होंने इसको बहुत अच्छा किया। तो ये सारी चीज मिलकर अभी आपने जुगा दिया है, तो अब ये इसी हिसाब से अभी प्रदीप जी शूट कर देंगे इसको, मुझे लगता है देखिए वो भी महादेव, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग महादेव की नगरी जा रहे हैं, संदेह वही बुला रहे हैं, बस वही बुला रहे हैं, उन्हीं का सब काम है। हमने बोला कि चलिए महादेव खुद डिसाइड करेंगे कौन गाएगा कौन बजाएगा, और जब महादेव जब आ गए ना। लेकिन मैं सच कहूँ, ये मेरे मन का भाव है, ये गाना जब बन रहा था मैं सोच रहा था, और आज ये गाना जब कम्प्लीट किया आपने, तो ये मुझे ऐसा लगता है उनकी कृपा मतलब ये बरस रही है। आपने जिस अंदाज में गाया, और जबकि बहुत अलग तरह का गाना बनाया था, और वो कोई और मैं ये नहीं कहता बहुत सारे सिंगर्स हैं, लेकिन जिस सरलता के साथ कहीं कहीं से महादेव के साथ आपका कनेक्शन है, तो ही आप इतनी आसानी से आपने गा दिया। बस बाकी तो आपने हिट्स बहुत दिए हैं निसंदेह, लेकिन ये अलग तरह का था वो। हाँ वो हिट्स तो अपनी जगह पे, बट ऐसे जो स्पेशल गाने होते हैं, स्पेशल ऐसी कोई चीज़ें आप गा देते हो, आपको गाने को मिलती हैं, तो वो कुछ ऐसा ही कुछ हटके होता है, नॉर्मल से कुछ हटके होता है। जैसे मैंने कहा असाधारण गाना है, शुरू में ही मैंने कहा कि ये बड़ा असाधारण गाना है, साधारण गाना नहीं है, सुनने में आपको इजी लगेगा, बहुत इजी लगेगा, आप नाचोगे झूमोगे गाओगे, लेकिन गाने में जितनी शिद्दत और जितना एक भाव चाहिए, वो सुर लगाना इजी होता है, लेकिन वो सुर के साथ जो फीलिंग और जो भाव और जो एक जो आत्मा है, रूह है, और जो जैसे आप उसको वर्णन करते हो उस चीज़ का, जैसे आप एक्सप्लेन करते हो उस चीज़ को, लिरिक्स राइटर जो है वो गा के लिख के छोड़ देता है, कंपोजर जो है वो म्यूज़िक बना के छोड़ देगा, लेकिन जो इन दोनों चीज़ों को पकड़ के साथ में अपनी फील डालता है वो होता है सिंगर, जिसकी वजह से गाना जो है वो लोगों तक पहुँचता है। सही बात है। और जब अगर सिंगर अपनी रूह नहीं रखेगा, आत्मा नहीं छोंकेगा उसमें, तो वो आपको भी फिर मज़ा नहीं आएगा। और मुझे लगता है, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आए गाना जब बाहर निकले। हमने बोला आप टेंशन मत लीजिए, ये जितनी आत्माएं हैं ना सब महादेव के सब हाथ में, अंदर में वास कर जाएंगे और ऐसी चीजें निकाल देंगे कि कोई सोच नहीं सकता। महादेव के साथ मेरे का पहले से कनेक्शन है, जब तक नहीं आया तब तक टेंशन था मुझे। अच्छा। जब आ गए तो टेंशन दूर मुझे, मैंने गाने सुन रखे हैं ना। देखिए कभी कभी क्या होता है, गोविंदा में भी मतलब महादेव से मैंने कहा भूतनाथ रिटर्न्स में बच्चन साहब के लिए गाया है, तो भूतनाथ तो बाबा ही है, देखा हुआ हमने, तो सारे पोस्ट प्रोडक्शन जाएगा। ये 21 से फिल्म का स्टार्ट, पूरा फिल्म वन शेड्यूल शूट कर रहे हैं। आप लोग भी पूछ लीजिए कुछ, हम तो बोले ही आ रहे हैं। ये एक लव स्टोरी फिल्म है, टीनेज लव स्टोरी है, तो जो एक प्रेम प्रेम के रहते, जो कम उम्र में प्रेम हो जाता है, नहीं पता नहीं रहता कि प्रेम होता क्या, बस हम वही दिखा रहे हैं कि प्रेम एक हो जाता है, एक करते हैं, लेकिन ये हो गया है उनको पता नहीं कि प्रेम कैसे हुआ। जब वो पाने की चाहत रखते हैं तो उसमें वादा करने साझा आ जाता है, और चाहत में बहुत कुछ आगे निकल जाता है। टीनेज लव स्टोरी नए ही चाहिए, क्योंकि नए रहेंगे तो ही वो फील आ पाएगा, और दर्शक जहाँ तक कुछ नया चाहती है कि मतलब ऑडियंस के मतलब नया कोई आए और वो चीज़ लेके आए कि जो देखने देखना पसंद करवाए। बनारस, भदोही, जौनपुर, लोकेशन वगैरह मिली। रमेश जी बात करें आप आज के प्रोड्यूसर एक्टर इस फिल्म को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या, आज तो मतलब फिल्म बारे में ज़्यादा बातें, क्योंकि मैं इतना भाव विभोर हूँ, जिस तरह से अमन जी ने ये
बाबा का भस्म लगा दिया है, ऐसा लगा कि बाबा का भस्म लग चुका है, लग चुका है, बाबा का भस्म माथे लगा दुनिया को, तो मतलब कहने का भाव ये था, मैं वही बता रहा था इनको कि अभी बाबा का भस्म ही लगा के मैं बनारस में था अभी 10-15 दिन पहले, बाबा का भस्म लगा के ये फ्लाइट में चढ़ा, सब लोग ऐसे देख रहे थे कि कौन आ गया, उससे पहले का मेरे को फर्क नहीं पड़ता, काशी विश्वनाथ महाराज जो है उनके बाबा के दर पे हमने जो है दर्शन किए, उनको हाजिरी लगाई, और ये पहली बार मैं, मेरा ये सौभाग्य हुआ कि मैं पहली शोज करने तो काफ़ी दफ़े जा चुका था, बट बाबा ने इस वक्त जो है इस दौरान इस समय बुलाया, वह बाबा से आशीर्वाद लिया और बाबा से यही कहा कि जो है सबको खुश रखें और जो है इतना देते रहें, हमारे छोटे मोटे जो हैं हम जो आपके जो भक्त हैं, हम तुच्छ जो लोग हैं आपके सामने, हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसाए रखें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें बस, और आते ही जो है बाबा का भस्म लग गया, गाने के थ्रू संगीतमय भस्म लग गया, सही बात है, सुरीली भस्म, हाँ जी आप वो ये हाँ नहीं आपने मेरी बात को आगे बढ़ाई जो मैं कह रहा वही आपने कहा, आप किस किरदार में नजर आने वाले हैं? मैं इसमें जो इसमें नायक है उसके मामा का रोल में कर रहा हूँ, बहुत डिफरेंट, नायक नहीं खलनायक है, हालांकि मैं अभी तक खलनायक ही रहा हूँ, जिसे प्रदीप जी ने मेरा मेकओवर किया है, इसमें एक अलग ही किरदार में मैं हूँ, जो कॉमिक भी होगा, सीरियस भी होगा और इमोशंस भी उसके अंदर, अभी तक मामा का आपने सुना होगा, मामा की जब भी चर्चा होती है कंस मामा, शकुनी मामा, पहली बार एक ऐसा मामा फिल्म में आएगा जो अपने भांजे से इतना प्यार करता है, उसे पैदा होने के बाद से लेकिन अपने घर गया ही नहीं, यहीं रह गया उसके प्यार में, तो एक कनेक्टिविटी जो है, और बड़ी अलग तरह की फिल्म है, जैसा कि नाम है वादा कर ले साजना, तो नाम साउंड आपको मिल रहा होगा कि ये एक रोमांटिक मूवी है, लेकिन रोमांस भी इसमें एक डिफरेंट टाइप का, टीनेज लव स्टोरी है, पूर्ण रूप से अश्लीलता मुक्त फिल्म है, एक भी चुम्बन दृश्य नहीं है, ये मैं मीडिया सामने खुल के इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा है, ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि भोजपुरी के बारे में लोग नजरिया है कि अश्लीलता ज़्यादा रहती सभी, तो ये हमने इससे परहेज रखा है पूरी तरह से, कहानी में भी और फिल्मांकन में भी पूरा, मतलब हम लोगों ने सावधानी बरतेंगे कि कहीं से भी कोई भी गंदगी उसमें ना आए, कि फिल्म को हम अपनी पत्नी, अपनी बेटी, अपनी माँ, अपनी बहन सबके साथ बैठ देख सके, और आपको भी गर्व हो, जैसा कि आपने कहा अमन जी ने गाना गाया है, तो इनको भी गर्व होगा कि हाँ हमने एक भोजपुरी फिल्म में ये गाना गाया, तो बाद में मैं इनको प्रीमियर बुलाऊंगा, जब देखें इनको भी गर्व लगेगा, हाँ नहीं मैंने एक सही फिल्म, क्या लोगों का नजरिया अलग रहता है, तो कार है तो उनके लिए उसमें मुख्य नायक के लिए कोई औचित्य था नहीं, तो हमने जो एक नए कलाकार का उसमें चयन किया है जिसका नाम है अमर गोस्वामी, ये किशोर नमित कपूर के से इन्होंने एक्टिंग सीखी हुई है, और नायिका जो है दो नायिका है उसमें, एक पूजा रंजन को हमने फाइनल किया है, दूसरी नायिका आज कल हमने उनको फाइनल किया, लेकिन एक और आज आने वाली, तो दोनों में से एक को फाइनल करने वाली, मीडियम बोल रहा हूँ मैं, अभी भी तलाश जारी, क्योंकि वो नायिका का रूप ही ऐसा है, मतलब उसका लुक जैसे कि विवाह में अमृता राव जी का था, भाग्यश्री का मैंने प्यार किया में था, तो उस तरह की इनोसेंसी चाहिए, तो जो मार्केट में है तो वो कहीं कहीं से मेच्योरिटी है उनके अंदर, जैसे बॉबी में डिंपल कपाड़िया, हाँ तो उस तरह से हम देख रहे हैं, तो तलाश पूरी हो चुकी है, एक दो दिन में मैं नाम उनका भी अनाउंस कर दूंगा, साथ में सत्येंद्र सिंह है और उमेश सिंह जी हैं, लोटा तिवारी है, कमलाकांत मिश्रा है, निरंजन चौबे है और सिमी है, सिमी मुखर्जी, और किसका नाम भूल रहा हूँ जो इसमें चयनित किया जा चुके हैं, बहुत सारे हैं, कुछ नाम है ना, बहुत सारे लोग हैं, तो ये सारे मुख्य उसमें हैं, और संजीव मेहता जी हमारे आप आइए, संजीव जी आइए, आप इधर आइए, संजीव मेहता जी भी आ रहे हैं, ये हिंदी इंडस्ट्री से हैं, इन्होंने बूगी बूगी से लेकर मूवर्स एंड शेकर्स के पंचे स्टोरी में लिखी हुई है, और इसमें ये हमारे साथ काम कर रहे हैं एज एन एक्टर करने जा रहे हैं, इसके पहले हमारे साथ इन्होंने हिंदी फिल्म की थी, संजीव जी आप बैठिए, आइए अच्छा लगेगा, वादा कर ले साजना, वादा कर ले साजना बस नाम याद, हाँ ये नाम याद रखिए, और भोले की फौज करेगी मौज, जो लोग भोजपुरी में असली गाना गाते हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे, मुझसे आपने पूछा, अपनी जमीर को जगाए हो, और उनकी घर में भी माँ बहन है, बेटियाँ हैं, तो मुझे लगता है कि जो आप खुद नहीं सुन सकते अपनी माँ बेटी के साथ बैठ के, तो दूसरों को सुनाने का प्रयास न करें चंद पैसे कमाने के लिए, तो
गायकी एक अलग चीज है, साधना है, संगीत साधना है, संगीत इतना सस्ता नहीं है। अभी आप देखिए सामने आप बैठे हुए हैं, इन्होंने साधना की, इतना संगीत उस चरम तक गए हैं तब आज इनको मतलब लोग बुलाते हैं और गा रहे हैं, अच्छा गाना गाते हैं। तो जो लोग भी इस तरह करते हैं, मैं तो यही कहूँगा, हालांकि बहुत कम लोग हिम्मत कर पाते हैं, मैं इसलिए हिम्मत कर पा रहा हूँ कि जो सच है वो बोलने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अब समय बदल रहा है भोजपुरी का, उनको भी बदलना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, लोग उनका समर्थन करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, तो उसमें कोई बुरा लगने की बात नहीं है। जो गंदा है तो गंदा है, गंदी चीज़ों को प्रमोट हम नहीं करते, बस आप लोग साथ दीजिए। हाँ, मीडिया आपका बहुत योगदान है इसमें, तो अगर आप उनका विरोध करना शुरू करेंगे तो शायद उनकी आत्मा जगे, क्योंकि कहीं कहीं से हमने देखा है उनका एक वीडियो अपलोड होता है तो मीडिया उसको जो है ये 1 करोड़ व्यूज चले गए, 2 करोड़ व्यूज चले गए, तो उनकी हिम्मत कहीं से बढ़ जाती है उस तरह गाना गाने के लिए। तो कहीं कहीं से अगर मीडिया भी इस पर अगर समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व समझे और अच्छी चीज़ों को प्रमोट करें और बुरी चीज़ों को ना करें, तो मुझे लगता है कि बुराई धीरे धीरे करके खत्म हो सकती है। हालांकि बुराई तो हमेशा रही है, रहेगी, जब तक बुराई रहेगी तब अच्छाई का कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन प्रयास तो किया जा सकता है, उसमें कोई